नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। भारतीय रेल भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। इसके साथ साथ यह देश की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो देश है उसके क्षेत्रों को जो है जोड़ने का काम करता है। और जब राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में जो है हमारा जो भारतीय रेल है वो अग्रणी रहता है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे है और हमारे साथ जो है रेलवे स्टेशन के अधीक्षक BS मीना जी सर हैं, जिनसे हम जानते हैं सुल्तानपुर स्टेशन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद तिवारी जी। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 40 जोड़े ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें चलती है। गुड्स ट्रेनों का भी यहाँ बहुत ओवर यहाँ पे गार्ड ड्राइवर का हेडक्वार्टर है। गुड्स ट्रेनों की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य भी यहाँ पर हो रहा है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे दिल्ली के लिए यहाँ से टर्मिनेट ओरिजिनेट होती है, अहमदाबाद के लिए यहाँ से होती है, बॉम्बे के लिए यहाँ से चलती है, बाकी छोटे पैसेंजर से वाराणसी लखनऊ इनके लिए भी यहाँ से नॉमिनेट होके चलती है। यानी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से नगरों महानगरों और मेट्रो शहरों तक जो है यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। जी, अयोध्या इलाहाबाद वाराणसी सभी जगह के लिए यहाँ से होकर ट्रेन जाती है। इस ये स्टेशन चार डायरेक्शन में ट्रेन को डाइवर्ट करता है, चार डायरेक्शनों में जाती है ट्रेन। लखनऊ के लिए, बनारस के लिए, इलाहाबाद के लिए, फैजाबाद अयोध्या के लिए। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे कितने प्लेटफॉर्म हैं? यहाँ पर चार प्लेटफॉर्म हैं। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपको। ये है सुंदर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन जो लखनऊ मंडल के उत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है। लखनऊ चारबाग के उत्तरी रेलवे जोन से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुल्तानपुर जंक्शन। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 97 मीटर है। यहां चार मुख्य प्लेटफार्म हैं जिसपे लगभग 41 जोड़ी ट्रेनें रुकती हैं। यहां से कई ट्रेनें बनकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत की राजधानी दिल्ली, मेट्रो शहर मुंबई, अन्य कई प्रदेशों के लिए ट्रेनें बनकर चलती हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों के लिए यहां से सीधी ट्रेनें मिलती हैं। यह स्टेशन चार अलग अलग दिशाओं लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज से आने वाली गाड़ियों का जंक्शन है। ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग पता किया जाता है। ये है रिजर्वेशन टिकट काउंटर, रिजर्वेशन टिकट यहीं पर मिलता है। चलिए अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। इस पुल को आप कैसे भूल सकते हैं, इस पार से उस पार किताबें लेके पढ़ने लिखने जाना। ऐसे भी सुल्तानपुर के लोग घूमते टहलते इस पुल और पट्टी से गुजरते ही होंगे। ये देखिए यात्री सेट जिसपे बैठ के बतियाते हैं तो कुछ अपनों को याद करते हैं, घर परिवार गांव खेत की मिट्टी आप भी याद करते होंगे। और अब देखिए सुल्तानपुर का शानदार रेलवे स्टेशन, कुछ याद आया? अगर आप सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से गुजरे होंगे तो जरूर याद आएगा। और अब देखिए प्लेटफार्म पर रेल आहार की दुकान, लटक रहे हैं चिप्स और कुरकुरे के लच्छे, तो वहीं दिख रहे हैं ठंडे स्प्राइट और कोको कोला की बोतलें। कुछ लोग छायादार वृक्ष के नीचे बैठ के बतिया रहे हैं आपस में।
सामान को ले जाते हुए लोड करने के लिए। ये देखिए, कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अब प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है ट्रेन। दिखाते हैं ट्रेन आने के बाद का नज़ारा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने के बाद लोग अपनी अपनी कोच की तरफ दौड़ के जाते हुए, तो वहीं पर ये देखिए दादी जी कोविड का पालन भी कर रही हैं, मास्क लगाई हुई हैं। ट्रेन पहुंचने के बाद जो ये देखिए गरी, यहाँ पे गरी बिक रही है और लोग आनंद ले रहे हैं। आप भी लेते होंगे गरी का आनंद, बड़ा सुंदर लग रहा है देखिए। ये समोसे हैं, गरम समोसे, बच्चे ज़्यादा खाते हैं समोसे, और समोसा अंदर नहीं बेचने जाते हैं, खिड़की पर ही बच्चे ले लेते हैं। ये वीडियो आप अपने सगे संबंधी के पास शेयर करिए और जो भी लोग सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन आते हैं जाते हैं उन सबके पास शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी हम वीडियो ऐसे सुल्तानपुर के ऊपर लाने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो हम सुल्तानपुर के ऊपर लाने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।